अस्सलाम वालेकुम। क्या हालचाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्दवा आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मैं तारिक हूं। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है चाइना वांट्स टू डिप्लॉय सिक्योरिटी फोर्सेस इनसाइड पाकिस्तान। तो वो देखते हैं वीडियो और अपना रिएक्ट कर देंगे। कौन ऑन करते हैं 3-2-1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज के समय जो टोटल चाइनीज वर्कर्स काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, इनका नंबर है 1200। ये जो नंबर है ये याद रखना, 1200, और साल चल रहा है 2024। नाउ ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 2021 के आसपास जो पाकिस्तानी मीडिया है ये इतना एंथुजियास्टिक था, इतना ऑप्टिमिस्टिक था सीपैक को लेकर, चाइना को लेकर, चाइनीज इकोनॉमी को लेकर, कि ये लगातार आर्टिकल छापते थे कि 2025 तक टोटल 5 मिलियन, मतलब के 50 लाख चाइनीज नेशनल्स रह रहे होंगे पाकिस्तान में। नाउ 2025 को ज़रा टाइम बचा नहीं है। जिस तरीके से 2021 से 2024 में आ गए, कुछ महीने और बीत जाएंगे और फिर 2025 भी स्टार्ट हो जाएगा। और आप कह सकते हैं कि टारगेट था 50 लाख और अभी 1200 के आसपास अगर ये हैं तो थोड़ा सा चूक गए ये लोग अपने टारगेट से। मगर उससे भी ज़रा अजीब बात यह है कि जो ये 1200 वर्कर्स बचे हैं और इनकी थोड़ी बहुत जो फैमिलीज़ हैं, ये सब पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं सेफ्टी के लिए। और अगेन कोई इनको ब्लेम कर नहीं सकता क्योंकि जिस तरीके से चाइनीज़ वर्कर्स पे अटैक हो रहे हैं इन पाकिस्तान, कोई भी अपनी जान बचा के भागेगा? किस तरीके से चाइनीज़ गवर्नमेंट प्रेशर डाल के इन वर्कर्स को अभी भी पाकिस्तान में रख रही है, इट इज़ क्वाइट मिराकुलस। कोई और कंट्री होता तो अब तक इतने सारे वर्कर्स को यहाँ पे ना रख पाता। मगर कुछ हद तक आप कह लीजिए चाइनीज़ गवर्नमेंट का प्रेशर और साथ ही साथ पाकिस्तानी गवर्नमेंट का इंसिस्टेंस। जब रिसेंटली चाइनीज़ वर्कर्स पे अटैक हुआ और कई चाइनीज़ वर्कर्स मारे गए, उसके बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर खुद सारे चाइनीज़ वर्कर्स से मिले और ये कहा कि आप बिल्कुल पाकिस्तान में रहिए, हम नहीं चाहते आप पाकिस्तान छोड़ के जाएं। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यही है कि ये चाइनीज़ वर्कर्स और साथ ही साथ चाइनीज़ गवर्नमेंट पाकिस्तान का इतना भरोसा करते नहीं है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी का इतना भरोसा करते नहीं है। इसलिए हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जहां पे ये बताया गया है कि अब चाइना अग्रेसिवली पाकिस्तान पे प्रेशर डाल रहा है कि हमको अपने खुद की सिक्योरिटी लाने दो, तुम लोग नहीं संभाल पा रहे सिचुएशन, हमारी सिक्योरिटी खुद आएगी, हमारे लोग होंगे और हम लोग इंश्योर करेंगे कि कोई भी टेररिस्ट अटैक ना हो। और जो ये चाइनीज सिक्योरिटी की बात की जा रही है ना, ये मोस्ट प्रॉब्ली चाइनीज मिलिट्री ही होने वाली है ना। प्रॉब्लम देखो पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से ये है कि अभी के लिए सिर्फ चाइनीज वर्कर्स मर रहे हैं, कल को चाइनीज सिक्योरिटी ऑफिसर्स भी यहाँ पर आ गए तो वर्कर्स के साथ सिक्योरिटी ऑफिसर्स भी मारे जाएंगे। क्योंकि जो पाकिस्तान में हो रहा है, जिस तरीके से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कैटेगोरिकली टारगेट कर रही है चाइना को, इन लोगों का बचना बहुत ही मुश्किल है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में कई विदेशी कंपनियां काम कर रही हैं। जैसे आप लोग जानते हैं रेको डिक केस में जो कनेडियन कंपनीज हैं वो इन्वेस्टेड है, कई कनेडियन ऑफिशर्स, कई कनेडियन इंजीनियर्स पाकिस्तान में आगे काम करते हैं, कई अमेरिकन कंपनीज भी हैं छोटे प्रोजेक्ट्स वो संभाल रही हैं, उन पे कोई अटैक नहीं होता। आपने कभी सुना है कि किसी कनेडियन वर्कर्स के ग्रुप को अटैक किया हो या फिर किसी अमेरिकन वर्कर्स के ग्रुप को अटैक किया हो? स्पेसिफिकली सिंस बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का ये कहना है कि चाइना ही पाकिस्तान को डेट ट्रैप में फंसा कर इनकी ज़मीन कब जाएगा, तो इसलिए स्पेसिफिकली ये लोग चाइनीज़ वर्कर्स को ही अटैक कर रहे हैं। तो उस पर्टिकुलर केस में चांसेस काफ़ी कम है कि चाइना की खुद की सिक्योरिटी भी एक ज़रा बड़ा इम्पैक्ट डालेगी। क्योंकि पहली बात तो चाइनीज़ सिक्योरिटी एक फॉरेन कंट्री में होगी, उनको पता नहीं होगा कि किस तरीके से यहाँ पर लॉजिस्टिक्स काम करते हैं, किस तरीके से सोसाइटी काम करती है, एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। और फिर दूसरी बात यहाँ पर यह आती है कि ऑलरेडी पाकिस्तान अपनी तरफ से, पाकिस्तान की मिलिट्री जितनी भी ये लोग सिक्योरिटी दे सकते हैं चाइनीज़ वर्कर्स को ये दे ही रहे हैं, बट बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बाकी जो ग्रुप्स हैं वो लोग इतने डेडिकेटेड हैं कि कैसे भी करके लगातार चाइनीज़ वर्कर्स को मार ही देते हैं। नाउ एक क्वेश्चन यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि इस सब का इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होगा? ठीक है, पाकिस्तान चाइना इंटरनली डिस्कस करेंगे कि चाइनीज़ आर्मी आएगी या नहीं आएगी, वो इन पर डिपेंड करता है। देखो इंडिया पे इसका एक बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। अभी के लिए क्या है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट एक अप्रूवल चाहती है। आप देखोगे दुनिया भर में जो इस पर आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, जो इस पर रिपोर्ट पब्लिश हो रही है, वहाँ पर यह बात लिखी है कि चाइना अप्रूवल चाहता है पाकिस्तान का कि हम अपनी मिलिट्री आपके देश में ले आए, चाहे पाकिस्तान जितना भी डेट में हो। बड़े स्केल पर चाइनीज सिक्योरिटी फोर्स लाने से पहले कहीं ना कहीं इनको एक गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए होगा, और एक बार वो अप्रूवल पाकिस्तान से मिल गया तो मैं आपको बता दूं इसी अप्रूवल की आड़ में पॉसिबिलिटी है कि चाइना एक मिलिट्री बेस सेटअप कर देगा पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पे, और ये मैं आपको बता दूं इंडिया को इम्पैक्ट करेगा।
एक बार को आप कह सकते हैं वेल ग्वादर ऑलरेडी टेक्निकली आप कह लीजिए चाइना का मिलिट्री बेस है ही। देखो टेक्निकली और एक्चुअल में एक मिलिट्री बेस होने में बहुत ही बड़ा अंतर होता है। चाइना का एक मिलिट्री बेस ऑलरेडी जिबूती में है, ग्वादर में अगर ये एक मिलिट्री बेस बना देते हैं तो ऑब्वियसली इससे इंडिया को एक मेजर सिक्योरिटी थ्रेट आ जाएगा। और हमारे लिए देखिए काफी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इसलिए भी होगी क्योंकि यूएस इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ना पाकिस्तान को जरा ब्लेम कर नहीं पाएगा क्योंकि ये सब कुछ हो रहा होगा चाइनीज वर्कर्स की जान बचाने की आड़ में। पाकिस्तान सिंपली ये कहेगा कि देखिए हम चाइना को इनवाइट नहीं कर रहे, हम नहीं कह रहे कि आ जाओ हमारे कंट्री में, अपनी इनकी जो आर्मी है उनको नहीं इनवाइट कर रहे, जो ये मिलिट्री बेस बनाएंगे हम नहीं कह रहे कि बनाओ, बट क्या करें इनके वर्कर्स पे अटैक हो रहा है, इनको प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर रहे हैं तो मजबूरी में ये सब करना पड़ रहा है, तो ये मेन इनका नैरेटिव होगा। बट आने वाले समय में आप देखोगे डेफिनेटली चाइनीज सिक्योरिटी फोर्सेज धीरे धीरे इनरोड्स बनाएंगी इन पाकिस्तान और इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ना सिर्फ इंडिया यूएसए पर भी होने वाला है। और इसके संकेत ऑलरेडी हमको मिल रहे हैं, आप अगर आसपास देखोगे जो इवेंट्स हुए हैं ये क्लियर इंडिकेशन देते हैं कि आने वाले समय में यूएस पाकिस्तान रिलेशंस में एक बड़ा फॉलआउट आने वाला है। यूएसए ने रिसेंटली चाइनीज और बिलारूसियन कंपनीज को सैंक्शन से हिट किया है, क्यों? क्योंकि यूएसए के हिसाब से ये कंपनीज पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को हेल्प कर रही थी। उसके अलावा यूएसए ने रिसेंटली पाकिस्तान को वार्न भी किया है कि अगर ईरान के साथ आपने पाइपलाइन बना दी तो भी हम आप पे सैंक्शंस लगा देंगे। तो क्लियरली देखिए आने वाले समय में यूएस पाकिस्तान के रिलेशंस का फॉलआउट होगा, बट क्लियरली पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑलमोस्ट इसके लिए रेडी है और इवेंचुअली आप देखोगे कि चाइना एक बड़ी एंट्री करेगा इन पाकिस्तान। नाउ इसका इम्पैक्ट ओवरऑल रीजन पे क्या होगा ये हमको देखना होगा, बट कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए बाद में एक अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन ही पूछूंगा, रिसेंटली यूएसए ने अनाउंस किए हैं 95 बिलियन US डॉलर्स मिलिट्री एड के रूप में किन दो देशों के लिए? ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, इजराइल फ्रांस, इजराइल यूक्रेन, यूक्रेन पोलैंड या फिर यूक्रेन मोल्डोवा। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर जो लोग करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज, अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास टाइम है, एक दो साल का आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप रुक के आराम से प्रिपेयर करना चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो आप स्टडी आईक्यू की जो ऐप है ये भी कर सकते हैं डाउनलोड और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी आईक्यू के वेरियस कोर्सेज। स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म में स्टॉक मार्केट से लेकर यूपीएससी, एसएससी, यूपीएससी ऑप्शनल वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं, स्टेट पीसीएस कोर्सेज भी अवेलेबल हैं यहाँ पे आप देख पाएंगे। और जो हमारा फ्लैगशिप कोर्स है यूपीएससी P2I कोर्स, P2I इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक ये कोर्स आपकी हेल्प करेगा, इसे आप परचेज कर सकते हैं यहाँ पर कोड PG10 लगाकर। नाउ यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे कोर्स दिख रहे होंगे, सिविल और वेरियस और कोर्स हैं। नाउ इन कोड्स को आप अगर यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा, अगर आप यूज करते हैं कोड PG10 तो आपको मिलेगा यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। बाय द वे इस कोर्स में आपको 30 महीने की वैलिडिटी मिलती है, तो मतलब के पर मंथ आप 1000 रुपए से भी कम पे कर रहे होंगे फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलें जी वीडियो खत्म हो गई भाई साहब, ये कैसा स्टेप ले लिया भाई, अब चाइनीज आर्मी आएगी पाकिस्तान में, लेकिन मेरे हिसाब से तो कुछ ना कुछ ठीक भी है। ये अच्छा स्टेप है, हमारी आर्मी तो सिर्फ ये है कि बूट के नीचे रखती है, वो भाई हमारी आंतें निकाल कर खाएंगे, ये जो बोलते हैं नंबर वन, उनको जो चीज मिल जाती है ना खाने के लिए वो तो इंसान भी खाएंगे। चलो एरिया के कुत्ते तो खत्म हो गए, कुत्ते कितनी देर कुत्ते निकालेंगे भाई, वो हमें ना खाने पड़ेंगे, वो वही लोग खा जाएंगे। सही है, अब बलोचों की, और इसमें बलोचों की भी अब खैर नहीं है, ये दो दो कंट्रियों की आर्मी मिलकर मारेंगी उनको। नहीं मुझे ये सब मैंने जो सब भाई हमने इनकी सिक्योरिटी के लिए पहले के जो 1200 वर्कर है उनकी सिक्योरिटी के लिए एक अलग फोर्सेस बनाई है मुझे पता है, और ऊपर से हमारी आर्मी हमारे बड़े बड़े अदारे वो ना काम है उनकी सिक्योरिटी देने के लिए, ऊपर से उनको बोल रहे तुम अपनी सिक्योरिटी के लिए खुद अमेरिका की कंपनियां है पाकिस्तान में उन पर तो गोली अटैक है, ये अटैक अमेरिका ही करवा रहा है इन पर। इंडिया और अमेरिका सबूत कोई ना मांगे भाई साहब, सीधा सीधा हर बंदा जानता है।
सी पैक से दो कंट्रियों का सिर्फ मसला अमेरिका और इंडिया। लेकिन ये जो चाइनीज फोर्सेस पाकिस्तान में आएगी उसका भी लॉस है, इंडिया के लिए लॉस है, पाकिस्तान के लिए डबल लॉस है। बिल्कुल, ये ऐसे खुशियां मनाने वाली बात नहीं है। सर पे आके बैठ जाए तो हमारे कौन से सर पर नहीं बैठे, हमारा तो दोस्त है, घर में घुस जाए दो, हमारा तो दोस्त है, सारे मतलबी दोस्त ही है, मतलबी है। अच्छा एक मिनट देखो, मेरी भाई कंट्री में उन्होंने घुस जाना है, हर एक कंट्री में घुस जाए कंट्रोल में होगा, आर्मी है कोई आर्म फोर्स नहीं है यार, मेरी चाइनीज आर्मी ने आना है। अच्छा बात सुनो, पहले भाई पहले नंबर तो भाई ये भाई कितने सालों से 9-10 साल हो गए इसको प्रोजेक्ट को चले हुए, ठीक है, और आए दिन अटैक होता आ रहा है, बहुत देर बर्दाश्त किया कि अभी रुकते हैं अभी रुकते यार हैं, उसमें हमारे ये अटैक तारा ये हमारा फेलियर है, ऊपर भी हो ये हमारा फेलियर है, हमारे हमारे भाई सिक्योरिटी का फेलियर है, मान रहा हूं। अच्छा एक बात और सारे को, एक अच्छा हम मान लेते हैं कि उनकी सिक्योरिटी के लिए उधर से वो आर्मी बनवा लेते हैं, कुछ बेसिस बना लेते हैं, तू ही बोल रहा है अमेरिका खुद करवा रहा है उनके वर्कर के ऊपर, अमेरिकन कंपनी ये कल को अमेरिका अपनी कंपनी के ऊपर करवा देता और बोलता है इंडिया पाकिस्तान को भी हमें भी पैसा सिक्योरिटी दो या हम अपनी वहां पर लेकर आ रहे आर्मी, हो सकता है ये छूट सकता है, हमें भी पैसे दो, उसमें ये चाइनीज और अमेरिकन जो इस तरह के जो बड़े प्रोजेक्ट जो है वो चाइना के पास ही है, वो छोटे मोटे प्रोजेक्ट है वो दिखाएंगे, इंडिया ये जो स्टेप पाकिस्तान ले रहा है वैसे ही दूर जा रहा है, अब ईरान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, अब हो गए नहीं हो गए, पाइपलाइन भी बनाने के लिए बोल दिया है, सिक्योरिटी बॉर्डर पे बढ़ाने की बात हुई है, अच्छे पहले खान की तो कुछ नहीं मिल रहा है, इस तरह का सैंक्शन लगने से पाकिस्तान की हालत क्या होगी ये भी तो देख लेना, एक साइड को छोड़कर अपने लोगों को मारने वाली कहते हैं, जब बुरा टाइम आता है दोस्त और दुश्मन का पता लग जाता है, अमेरिका का भाई साहब पता चल गया यार, दो दुश्मन कोई नहीं मफाद तक भाई साहब आपका दोस्त है, नुकसान तो पाकिस्तान का ही होने वाला है जब वो इधर आएंगे, लेकिन इमरान खान ने बोला था मैं 5 लाख फैमिलियों को इधर बसाऊंगा, उससे खतरा था पाकिस्तान को, आज ये 50 लाख बोल रहे हैं उससे खतरा कितना रखा है, हमारा कम जाएंगे, हमारी पॉपुलेशन पहले से आउट ऑफ कंट्रोल है, खाने पीने को मिलने वाले काम का वो एरिया किसमें रहेंगे, बलूचिस्तान में जहाँ पर सबसे बड़ा ये चाइनियों का ये भी कोई पता नहीं, भाई साहब ये अपना खाना पीना ही चेहरा से मंगाएंगे तो मंगा लेंगे, राशन जो है ना ये पाकिस्तान का कुछ भी नहीं, तो पाकिस्तान का क्या नहीं तो उधर से मिलेगा राशन ना, क्या टुटू मिलेगा वो जो इधर वाला खाना मतलब खाते ही नहीं, वो इन्होंने कह रहे हैं हम पाकिस्तान में टुटू नहीं लगाएंगे। अच्छा भाई एक और चीज है, वैसे भी पॉपुलेशन बहुत कम है बलूचिस्तान में, 50 लाख आ जाएंगे तो वो करोड़ के करीब तो हो ही जाएगी। अच्छा तो आबादी आबादी बढ़ाने की बात कर रहा है, पहले कितनी उधर आबादी लेकिन जैसे भी आबादी तो बढ़ेगी कुछ ना कुछ वो एरिया खरीद लेंगे और जो जिले जमीन बात किया वो सारी उनके भाई सही हमारा है चाइना का, चलो पाकिस्तान तो पहले लॉस में चल रहा है, इंडिया और इंडिया को क्या लॉस होगा, पाकिस्तान सारे का सारा पहले दुश्मन है, या तो पाकिस्तान के साथ पहले रिलेशन अच्छे हो फिर चाइना घुसे तो ये पीछे हट जाए, पहले ऑलरेडी वो दुश्मन है, इंडिया क्या करता है कोशिश करने की तोड़ने की कोशिश करता है बलूचिस्तान का, वो भी काम ठंडा हो जाएगा, जो डीएलए वाले हैं वो आए दिन, चलो ये तो इनडायरेक्ट वाला डायरेक्ट तो उनका कोई, अब देखते हैं वो इधर आकर सिक्योरिटी अपनी बढ़ाते हैं अपनी हिफाजत के लिए, और देखते हैं पाकिस्तान और वो मिलती मिलकर डीएलए वालों को या दहशत गर्दों को कंट्रोल करते हैं या उल्टा, चलो वो तो देखेंगे, लेकिन एक चीज है और इंडिया मिलकर और ज्यादा फंडिंग करेंगे तो करेंगे और ज्यादा पाकिस्तान की शामत आएगी और भी पहले जाएंगे, अब इससे एक फायदा पाकिस्तान को ये होगा कि भाई जो पहले पाकिस्तान हमारी सिचुएशन है यार, बात तो सुन ले गाधा वाले भाई, ये सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि जब ये बीएलए वाले हैं, अब पहले ये अटैक करते हैं ना अगर चाइनीज वर्कर पे तो वो क्या लगाते थे, पेनल्टी लगाते थे, हमारे इतने वर्कर मरे अब इतने पैसे दो,
अब जब उनकी अपनी आर्मी आ जाएगी तो वो उनका जिम्मेदारी होगी भाई साहब, अपनों की हिफाजत करेंगे। फायदा ही है भाई साहब, वो अब बलोच भी हमला करने से डरेंगे, पाकिस्तानी तो थोड़ा बहुत वो जवाब देना पड़ता है कि भाई साहब हमें हमारे, क्योंकि वो कहते हैं ना विक्टिम कार्ड भी, कि भाई हमारे लोगों को उठा लेते हैं, मार देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर चैनी ठोकेंगे भाई साहब उनको दबा के, जो भी ये प्रोजेक्ट बनने से रोकते हैं फंडिंग ले लेके अमेरिका से इंडिया से, तो जब वो ठोके जाएंगे तो फिर दर्द इन दोनों को भी होगा कि ये सी पैक साला हमने कितना रोका, ये साला बन कर दे गया। देखते हैं कौन जीतता भाई साहब इस लड़ाई में। तो ठीक है भाई, सी पैक तो बन के ही रहेगा भाई, तो ठीक है भाई, मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।